गाइस पहुंच चुके हैं मेघदूत गार्डन। तो गाइस अब अपनी पाव भाजी भी आ गई है, ये तो बेहतरीन लग रही है। तो गाइस अभी सीन ये हुआ है कि हमारा पोपट हो गया है गार्डन। हे गाइस गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है जुमे रात और आज हमारा प्लान है कि हम शाम को एक गार्डन है मेघदूत गार्डन, यहाँ का काफ़ी पॉपुलर है, हम बचपन में बहुत जाते थे, हमारे पापा ले जाते थे, तो वहाँ जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे और हम भी हमारी बचपन की यादें जो है वो ताज़ा करेंगे। देखो हानिया ने सारे खिलौने उसके जो बिखेर दिए और अम्मी उसको समेट रही है और चश्मा लगाए लगाए सो रहे हैं फिजान भाई साहब यहाँ पर। और हानिया अभी बहुत परेशान कर रही थी, जैसे ही व्लॉग स्टार्ट करा खेलने लग गई हानिया और हानिया को ना बहुत देर से उसकी अम्मी के पास नहीं गई, तो उसकी अम्मी के पास जाना है। अब किचन में चलते हैं, देखते हैं आज बन क्या रहा है। अम्मी तुम्हें आइडिया है आज क्या बन रहा है? आज वेज बिरयानी बन रही है, ये फैजान की फरमाइश पे बन रही है। आज वेज बिरयानी बन रही है भाई फैजान की फरमाइश पर। चलो हानिया भी गई उसकी अम्मी के पास, अभी बन जाएगी, फिर देखते हैं कैसी बनती है वेज बिरयानी। इसकी रेसिपी यूट्यूब पे देखी होगी ना? यूट्यूब पे भी हमें भी याद थी वो तो। अच्छा, वैसे कई लोग मानते ही नहीं है बिरयानी वेज होती है, वेज तो पुलाव होता है, लोग ऐसा कहते हैं। जो नहीं मानते पुलाव समझ लो, जो मानते वो बिरयानी समझ लो। पुलाव और बिरयानी दोनों अलग अलग तरीके से बनती है। हाँ, इसमें दम वगैरह भी देना पड़ता है बिरयानी, जमाना पड़ती है। तो ये इसमें वेज वाली में भी जमे जमाई ना, तो उसकी पहले ऐसा सब्जियों की ग्रेवी बनेगी क्या पहले? हाँ ग्रेवी बनाई, उसके बाद फिर जैसे उसमें बिरयानी में पहले चावल जमाते हैं वैसे ही। चलो तो भाई एक ते वाली बिरयानी बनी है, मतलब वेज में भी बिरयानी हो सकती है, ये प्रूफ है इस चीज़ का। भाई वेज बिरयानी बनकर रेडी है, अब देखते हैं ओपन करके कैसी लग रही है। हाँ हाँ भाई ये तो बेहतरीन लग रही है, शानदार, देखने में तो बहुत ही टेस्टी दिख रही है, पर अब टेस्ट करके देखेंगे कैसी लगती है। चलो भैया खाना खाने बैठेंगे, इधर दही फेंट रही है अम्मी और ये अपनी बिरयानी। ओहो ओहो हो हो, देखने में तो मज़ा ही आ गया है। आई होप खाने में भी मज़ा आएगा। आएगा मुझे देख के ही लग रहा है भाई, देखने में ही पता चल जाता है कि खाने में भी मज़ा आएगा ही आएगा। खुशबू खतरनाक, अम्मी रूबी का किचन बहुत देखती है तो अम्मी रूबी का डायलॉग मार रही है खतरनाक। एक बार बोलो बोलो। खतरनाक खुशबुएं आ रही है। सुपर डुपर कातिलाना खतरनाक। होय होय होय, बैंगन को हम एक टांग का मुर्गा बोलते हैं। गाजर नहीं मिल पाई पर आज। हाँ यार गाजर होती तो और मजा आ जाता भाई, वेज बिरयानी में गाजर होती तो और ज्यादा ही मजा आता है, पर मिली नहीं तो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। चलो भाई तो पहला निवाला लेते हैं और देखते हैं कैसी बनी है। और फली को भी भाई बहुत ही जबरदस्त बनी है, इसके अंदर इतनी सारी वेजिटेबल्स डली है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है खाने में। अगर चिकन बिरयानी हम खाते हैं तो सिर्फ एक ही फ्लेवर आता है, बट इसमें अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स डली, सबका फ्लेवर आ रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब हर बाइट में जो एक अलग टेस्ट आ रहा है, कुछ नया मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मसाले चिपके हुए हैं, क्या जायका है, क्या खुशबू है। कैसी बनी अम्मी? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। कैसी बनी फैजान? शानदार। फैजान की फरमाइश पे बनी है भाई, फैजान को ज़्यादा अच्छी लगना चाहिए। रूबी बोलती है शानदार। अरे अपना बताओ, कुछ अपना बनाओ, दूसरों का क्या। बढ़िया बनी है। और जिसने बनाई उनसे ही पूछ लेते हैं कैसी बनी है। मेहनत वसूल हो गई। तो भाई मेहनत वसूल हो गई सच में भी, तो अब खाते फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हानिया और मैं रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, साहिल और मैंने अभी अभी वीडियो बनाकर अपना कंप्लीट किया है, और साहिल को मैंने बोला था चल, पर इसका है वर्क फ्रॉम होम, साहिल बोल रहा था संडे को चलते हैं, तो साहिल से मैंने बोला संडे को अपन एक काम करेंगे कहीं और चलेंगे, आज हम होके आ जाते हैं, संडे को चलते कहीं है ना, फिर तो फिर साहिल को लेके तब जाएंगे, साहिल का बेटा भी आएगा तब, उस दिन साहिल का भी व्लॉग बनेगा, मेरा ही बनेगा। मेरा तो ऐसे व्लॉग बनता है भाई, मेरे को इतनी खुशी है। मेरे बेटे के व्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नाम मेरा है लेकिन चैनल उसी का है, ठीक है, उसका नाम है साहिल मंसूर, सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज अभी हम बस निकलने ही वाले हैं, अभी हम पेट्रोल स्प्लेंडर में से निकाल के स्कूटी में डालने वाले, क्योंकि इसका टैंक हमने फुल करवा लिया था,
तो अब इसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे। तो गाइस निकल चुके हैं हम, और आप देख सकते हैं सन सीधा मेरी आंखों के सामने, यार सर पे बहुत तेज धूप लग रही है। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था ये C21 मॉल है, और उसके पास में जो मॉल है वो है मल्हार मेगा मॉल। इन दोनों मॉल के जस्ट पास में है ऑर्बिट मॉल, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर ना फ़ोन्स या टीवी से रिलेटेड चीज़ें मिलती है। और वैसे अभी हम जा रहे हैं विजयनगर स्क्वायर की तरफ, विजयनगर स्क्वायर से पहले ही हमें लेफ्ट टर्न लेना है। तो गाइज़ हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, और सन अगेन मेरी आँखों के सामने है। स्कूटी चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है RSA में। आप देख सकते हैं हमारे साइड में कितनी सारी स्ट्रीट फूड की स्टॉल्स है, यहाँ पर अलग अलग टाइप का स्ट्रीट फूड मिलता है। कुछ ओपन हो गई है, कुछ नहीं हुई है। वैसे नाइट में ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, तो नाइट में ज़्यादा चलती है। तो गाइज़ पहुँच चुके हैं मेकू गार्डन। तो फैज़ान और अम्मी ने वहाँ पर पार्किंग करी है, वहाँ पे छाँव होती तो हमने सोचा वहीं लगा देते हैं। कहने के आगे कर दो, आगे ठीक है, अभी ढूंढ रहा हूँ। आनिया को ले लो, तेजू ले लो। तुम ये मेरे को दे दो, ये फैज़ान को दे दो, तुम आनिया को ले लो। फैज़ान तो अम्मी का हाथ पकड़ लेना ना, घूमना मत, हाथ पकड़ के चलना सब। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हो फाउंटेन्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो मुझे तो ऑलरेडी इनसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अंदर और भी फाउंटेन्स हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज अंदर जाने के लिए। तो गाइज़ मिस्टर रे टिकट लेने गए थे, और टिकट काउंटर बंद था, तो वो पता करने गए हैं कि टिकट कहाँ मिलेगा। शाम को बंद जाता है 5:30 6 बजे सबको बाहर कर देते तो बंद है। तो गाइज अभी सीन ये हुआ है कि हमारा पोपट हो गया है, गार्डन बंद हो गया है। 5:30 बजे तक लास्ट रहता है टिकट लेने का, और 6 बजे तो बंद ही कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। अब हम सोच रहे हैं मॉल में जाने का, वहाँ पर चले जाते हैं, बाहर निकले तो कहीं तो जाए। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं मॉल की तरफ, पर सिग्नल रेड मिल गया तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और मेरी वाइफ अभी पीछे से वीडियो शूट कर रही है। सिग्नल रेड होने की वजह से ना वो अपने S22 अल्ट्रा के जूम फीचर को टेस्ट करके टाइम पास कर रही है। आप देख सकते हो कितना जूम हो गया है। तो गाइज़ अभी जो है हमारे प्लान में चेंज आ गया है, अब हम मॉल नहीं जा रहे, हम जा रहे कहीं और। तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको चल के बताएंगे। और ये हानिया को देखो कैसे अम्मी और फैज़ान के साथ बैठी हुई है। तो चलो चलते हैं, पहुँच के बताते हैं हम कहाँ आए हैं। तो गाइज़ यहाँ से जो है हानिया को हमने ले लिया था, हानिया हमारे पास आने की ज़िद कर रही थी, तो यहाँ से हम हानिया को लेके निकल गए। और मैंने मेरा फ़ोन जो है अम्मी को दे दिया ताकि वो रिकॉर्ड कर पाए। हमने हानिया को अम्मी के पास इसीलिए बैठाया था ताकि मेरी वाइफ जो है अच्छे से रोड का वीडियो बना पाए, बट हानिया थोड़ी देर में अब रोने लगी। और फिर ये हुआ कि फैज़ान अम्मी से बात करते करते ना गलत रास्ते पर चला गया। आप देख सकते फैज़ान ये यहाँ से इस रास्ते पर आ चुका है, और हम जो है हम ये देख सकते हो हम जो है हम यहाँ पर हैं। तो हमने यहाँ से राइट टर्न लेना था, लेकिन फैज़ान जो है सीधा स्ट्रेट चला गया। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हमने फैज़ान को जो है कॉल किया, और फिर वो वहाँ आया। फैज़ान और अम्मी दूसरे रास्ते से चले गए थे, पर वहाँ पर पार्किंग नहीं, पार्किंग यहाँ पर है। तो अब आ गए दोनों फाइनली। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं 56 शॉप्स पर, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती है, स्ट्रीट फूड है यहाँ पर। हानिया को भी बहुत तेज़ प्यास लगी है। ये हानिया और मैं जा रहे हैं, पीछे अम्मी फैज़ान और मेरी वाइफ सब आ रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होता है 56 शॉप, यहाँ पर पार्किंग एंड होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर शॉप्स के नंबर डले हुए हैं, टोटल 56 शॉप्स हैं यहाँ पर खाने पीने की, स्ट्रीट फूड की। पहले तो अपन कोई बढ़िया सी बैठने की जगह देखते हैं, थोड़ी देर बैठ के सुकून लेते हैं, उसके बाद अपन कुछ खाने का सोचेंगे। मुझे सामने अच्छी जगह दिख रही है बैठने के लिए, एकदम बीचों बीच ग्रीनरी में। तो ग्रीनरी में थोड़ी ठंडक भी मिलेगी, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, तो यहीं पर बैठते हैं। ये वाली स्पेस अच्छी लग रही है। हानिया और मैं यहाँ पर बैठ चुके हैं, उधर से अम्मी आ रही है, फैज़ान अम्मी और मेरी वाइफ, ये तीनों भी आ गए हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ का टूर दे देता हूँ। ये सारी शॉप से लाइन से देख सकते हो, देखो वहाँ से स्टार्ट होती है, नंबर 1 वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है।
वो वहाँ पर, ये यहाँ पर जो है एंड हो जाता है 56 शॉप्स। पहले यहाँ पर सिर्फ 56 शॉप थी, लेकिन उसके बाद और भी शॉप्स ओपन हो गई यहाँ पर, देख सकते हो। ये यहाँ से तो पूरा मॉल बन गया है ये। तो ये पूरे मॉल में स्ट्रीट फूड के अलावा कुछ नहीं मिलता है, या फिर ये कह लो यूथ से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर मोस्टली, या बच्चों से रिलेटेड। आ जाओ, मज़ा आ रहा है आने का यहाँ पर। तो गाइज अभी जो है हम यहाँ पर आके ना कंफ्यूज हो गए कि हमें खाना क्या है, क्योंकि यार इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिल रही है तो समझ नहीं आता कि क्या खाएं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब बहुत सारी चीज़ें मिलती है तो समझ नहीं आता यार पहले क्या खाऊं या शुरू कहाँ से करूं। तो अभी हम इसीलिए यहाँ पर घूम रहे हैं और सोचा इसी तरह से जो है आपको भी हम यहाँ पर घुमा देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से शॉप्स लगी होती है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है 56 दुकान एंड होता है, वो सामने से मेन रोड स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज़ अभी हम आए हैं रेस्टोरेंट में, हमने सोचा कुछ खा ही लेते हैं। पनीर मलाई टिक्का हमने ऑर्डर किया है, अब टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। बड़ा वाला पनीर टिक्का, जो मलाई टिक्का था बहुत ही सिंपल टाइप का था, मुझे तो एकदम मुझे लगा सिंपल पनीर खा रहे हैं उसमें मलाई डाल दी है। तो गाइज़ अब अपनी पाव भाजी भी आ गई है, अब पाव भाजी टेस्ट करते हैं। एकदम महंगा वाला नींबू भी आ गया है, बढ़िया है भाई। पाव ला देना, पाव भाजी बढ़िया है। फैजान चाचू ने हानिया को नींबू चटा दिया, अब वो उसकी वो एज नहीं रही कि वो वैसा फेस बनाएगी। तो अपने छोले भटूरे भी आ चुके हैं, खाओ 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 ना, कैमरा तो चलेगा, ये कैमरे से ही तो पैसा आए इसके। गरम बहुत है भाई, गरम बहुत है अभी। फैजान भाई ने सैंडविच भी मंगा लिया था, तो इसको भी टेस्ट करते। सैंडविच बढ़िया है पर वेजिटेबल सैंडविच जो है हेल्दी होता है, पर ये हेल्दी नहीं लग रहा है, मसालेदार है ये भी। तो गाइज रेस्टोरेंट से खा के पी के हम बाहर निकल चुके हैं। आज जो भी हुआ, हमारा इरादा तो मैकडूज गार्डन में घूमने का था, पर आ गए 56, और पर जो भी हो यहाँ पर भी मज़ा आया। मेन टास्क था घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर घूमना घर वालों के साथ जो कि सक्सेसफुल रहा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने खा तो लिया है, अब हम यहाँ का चक्कर काट रहे हैं। एक्चुअली अम्मी पहली बार आई है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आई है, तो उनको थोड़ा सा घुमा रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पे 56 लिखा हुआ है, चलना है क्या? देखना हो तो चलो। तो गाइज यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है 56 क्लीन स्ट्रीट फूड हब। ओके गाइज, तो अब हम जा रहे हैं घर, घर पे पहुंच के आपसे मिलते हैं। तो गाइज अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत थक गए यार, तो थोड़ा आराम करेंगे। तो एंड करते हैं व्लॉग को, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।